नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक कमेंट्स के थ्रू अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और एक मेरे भाई का बहुत ही अच्छा कमेंट आया कि सर, कोई हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी आप प्लान हमें सजेस्ट किया जिक्र कि हमें आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी कोई प्लान आप सजेस्ट कीजिए कि ताकि हम कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहे हमारी। ऐसा नहीं है कि हम शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें और हमारा एक अच्छा प्लान भी ना बने। तो ऐसा अमाउंट भी रखिए और ऐसा प्लान भी रखिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी हो। तो हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और प्लान मैं फ्रेंड्स मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जब हम अपना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपना टाइम पीरियड रखते हैं तो उसमें एक्चुअल में अगर देखेंगे, आपको अगर एक अच्छा फंड बनाना है तो उसमें फिर आपको अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन में फ्रेंड्स ज्यादा कंपाउंडिंग अपना फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि हमेशा कंपाउंडिंग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ही चलता है। जी हाँ, 20 साल के लिए, 40 साल के लिए, 30 साल के लिए ऐसे ही कंपाउंडिंग चलता है। लेकिन फिर भी मैं आज एक बहुत अच्छा प्लान लेके आया हूं जो कि हम कम ड्यूरेशन के लिए देखेंगे। जी हाँ, 10 साल के लिए देखेंगे, 15 साल के लिए देखेंगे और मैक्सिमम 18 ईयर्स के लिए देखेंगे, जो कि आपके अकॉर्डिंग ठीक भी हो सकता है बिल्कुल। जैसे अगर आपकी एज 30 है, 35 है, 40 है, तो आपके अकॉर्डिंग ये प्लान आपको बहुत ही बजट में भी आपके अकॉर्डिंग सूट हो सकता है। तो अपने प्लान की तरफ बढ़ते हैं और मैं एक चीज और भी फ्रेंड्स आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट अपना प्लान बनाए तो एक अच्छे फंड को भी एनालाइज करें। ऐसा नहीं है कि किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करें और फंड को भी आप ना देखें, तो एक फंड को देखना भी जरूरत है। तो हमें अपने हम कहीं भी पैसा अगर अपना इन्वेस्ट करें तो एक्चुअल में फंड क्या हमें रिटर्न्स देता है, क्या प्रीवियस उसकी रिटर्न्स है, तो हमें ये चीजें भी चेक करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी फंड में जाके इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी चीज यही है फ्रेंड्स कि आपको फंड भी सिलेक्ट अच्छे तरीके से करें और उसमें उसकी रिटर्न देखकर तभी आप सिलेक्ट करें। तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो में मैं बताऊंगा कि SBI का स्मॉल कैप फंड है। जी हां, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान है। इसमें अगर फ्रेंड्स हम ये देखेंगे फंड की एक्चुअल में हम डिटेल्स चेक करेंगे तो एक्चुअल में फंड्स की क्या डिटेल है ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो रेटिंग्स की देखें तो पहले सबसे पहले हम रेटिंग्स की बात करें तो रेटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, रेटिंग भी 3 स्टार है। और अगर फंड साइज की बात करें तो फंड साइज एक्चुअल में फ्रेंड्स जैसे हम जो पैसा हम अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जैसे SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू, तो वो पैसा जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसी पैसे को जो मर्ज होता चला जाता है, जैसे जो भी फंड है उसमें हम जितना पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, जैसे जितने भी मतलब पीपल्स मैं ये कहूंगा जितने भी लोग हैं जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फंड का साइज हो जाता है फ्रेंड्स कि इसमें एक्चुअल में आज तक कितना इसमें पैसा लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो एक्चुअल में अगर फंड साइज देखेंगे तो फंड साइज भी इसका 23,716 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है, जो कि बहुत अच्छा फंड साइज है। और फ्रेंड्स अगर इसकी मैं ये बात करूंगा कि रिटर्न्स की भी बात करूंगा तो रिटर्न रेट भी इसका बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि रिटर्न रेट भी है, मैं फिर वही चीज मैं बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स कि रिटर्न रेट को देखना भी बहुत बड़ी चीज है। रिटर्न रेट को भी ऐसा नहीं है कि हम किसी भी फंड को चेक करें और रिटर्न रेट को वहां से स्किप कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिटर्न रेट को भी चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी बहुत मस्ट है। तो इसमें अगर आप रिटर्न रेट की बात करेंगे तो 1 ईयर में इस फंड ने एक्चुअल में 29% की रिटर्न निकाल कर दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, 29% की रिटर्न निकाल कर दी है। और 3 ईयर्स में देखेंगे तो 25% की निकाल कर दी है, और 5 ईयर्स में देखेंगे तो 25% की दी है, और अगर लास्ट 10 ईयर्स की भी देखेंगे तो तब भी आपको 25 की 25% की दे रखी है। लेकिन मैं फिर भी 25 की लेकर चला हूं जो कि 25 की रिटर्न इसने फंड ने दी है। तो रिटर्न भी फ्रेंड्स अगर देखें तो लॉन्ग ड्यूरेशन की अगर रिटर्न्स भी आप चेक करेंगे ना तो लॉन्ग ड्यूरेशन की भी हमेशा चेक करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपना प्लान बनाएंगे तो हम प्रीवियसली किसी भी फंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि इस फंड ने प्रीवियस
भी कभी भी, जैसे इसने पास्ट में कि कितने 5 साल में कितनी रिटर्न दी है, 10 साल में कितनी दी है, तो एक्चुअल में हमें एक आइडिया मिल जाता है फ्रेंड्स कि इसमें एक्चुअल में हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो होपफुली इस फंड ने प्रीवियस पास्ट में इतनी रिटर्न दी है तो क्या फ्यूचर में ये हमें और भी अच्छी निकाल कर दे सकता है। तो रिटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखेंगे तो हमारा ये फंड बहुत ही अच्छा है। और इसमें अगर होल्डिंग्स की बात कर लेंगे तो होल्डिंग्स भी एक्चुअली फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। टॉप रैंकिंग जो कंपनी होती है उन्हीं में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और वहां से जो रिटर्न निकल कर आती है उसी को आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसी को आपको दिया जाता है। तो और इसमें अगर एक्सपेंस रेशियो की भी अगर बात करें इसमें, तो एक्सपेंस रेशियो भी इसकी बहुत ठीक है, इसकी 0.7% की एक्सपेंस रेशियो है। तो फ्रेंड्स ये हमारी एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये हमारी फंड्स की डिटेल है कि अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो एक्चुअल में हमने अपने फंड की डिटेल्स तो चेक कर ली कि हमारे अकॉर्डिंग अगर हम इन्वेस्ट करें तो ऐसा बजट, ऐसा प्लान है कि ठीक है हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम अपने प्लान की तरफ बढ़ते हैं और प्लान में ये देखते हैं कि फ्रेंड्स क्या एक्चुअल में हम इसमें एक अच्छा प्लान शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रेडी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कई बार मैं देखता हूं कि अगर आप जैसे 10 ईयर्स का है तो कई फंड्स का जैसे आप देखेंगे तो 10 ईयर्स में किसी ने 20 की रिटर्न निकाल कर दी है, किसी ने 19 की रिटर्न निकाल कर दी है। तो इसमें आप, ये स्मॉल कैप का फंड है, लेकिन एक चीज आप ये भी नोटिस करें कि स्मॉल कैप का फंड है लेकिन फिर भी इसने लास्ट 10 ईयर्स की, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूं स्क्रीन पर अभी, तो आप इसमें देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स की भी, 5 ईयर्स की भी इसने 25% की रिटर्न निकाल कर दी है। तो चाहे भी शॉर्ट स्मॉल कैप का फंड हो लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छी रिटर्न ऐसे निकाल कर दी है, और लास्ट 10 ईयर्स की तो 25 तक की दी है, एवरी ईयर 25% की रिटर्न निकाल कर दी है। तो हम एक तरीके से अपना प्लान इसमें बना सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा हमें आइडिया इस तरीके से लग गया। तो अब हम अपने प्लान की तरफ देख लेते हैं, और प्लान अगर ये देखेंगे तो फ्रेंड्स अगर हम इसमें SIP करते हैं 5000 की, और रिटर्न रेट की अगर बात करें तो रिटर्न रेट का भी मैं अभी आपको बताता हूं फ्रेंड्स कि रिटर्न रेट भी मैं इसमें 20% की लेकर चल रहा हूं। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं कई बार क्या कहता हूं आपको, 25% की रिटर्न निकाल रही, फिर भी 5% की रिटर्न मैंने ऑलरेडी कम कर दी इसमें। आप ये देखिए 5% की रिटर्न भी एक्चुअल में अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं अपना और भी कम करके चले हैं कि क्या देखिए 25 की अगर हम 10 ईयर्स में मिल जाएगी तो कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ऐसी बात नहीं कि इन्वेस्टमेंट अच्छी। तो मैं 20 के सपोज करके 20 के हिसाब से भी चलते हैं, तो अगर हम अपना प्लान देख लेते हैं, अगर हम 18 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें, ड्यूरेशन अगर हम अपना 18 ईयर्स लिखे, अगर हम 18 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होना चाहिए, जो हम हर महीने SIP के थ्रू 5,000 रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारा 10,80,000 के आसपास हमारा पैसा हो जाएगा, और जो फाइनल हमें अमाउंट मिलेगा वो हमारा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा होगा, वो हमारा 1,05,00,000 के आसपास हमारा फंड, ये आपको 18 ईयर्स में आपको ये फंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम सेकंड अपना प्लान देख के चलते हैं कि हम ड्यूरेशन इसमें 15 ईयर्स का रखते हैं, हम 15 साल का रखते हैं। अब हम अपने प्लान्स में जो ड्यूरेशन है उसको कम करते चलेंगे और ये देखेंगे कि हमारे प्लान में कि हम एक्चुअल में इतने ईयर्स में हम कितना पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे और कितनी हमें रिटर्न इस पे मिल सकती है। तो इसमें आप देखेंगे तो 9,00,000 के आसपास इसमें आप इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा, जो आप 5,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें फाइनल अमाउंट देखेंगे आप तो फाइनल अमाउंट जो आपको देखने को मिलेगा, जो आपको मिलेगा एक्चुअल में जब आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें आपको 56,00,000 के आसपास आपका फंड है जो आपको मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट फाइनल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें अगर हम ड्यूरेशन ये देखें कि नहीं हमें तो और भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इसमें मैंने 10 ईयर्स के लिए ले लिया है फ्रेंड्स। और इसमें आप इन्वेस्टेड अमाउंट देखेंगे, इन्वेस्टेड अमाउंट भी अगर आप निकाल कर देखेंगे तो इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट 6,00,000 के आसपास होगा आपका, जो आपको इन्वेस्ट करना होगा। और आपको फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा वो आपको 19,00,000 के आसपास आपको आपका फाइनल अमाउंट मिलेगा। तो एक्चुअल में आप ये देखेंगे फ्रेंड्स तो ये 3 प्लान्स है जो आप इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। और अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं फ्रेंड्स, यहां पर इस फ्रेंड इसने 25% रिटर्न निकाल कर दिया, मैं 20 के लेकर चला हूं। अगर आप ये देखेंगे अगर इसने 22 की भी दे दी, 23 की भी आपको मिल गई, तो ये पैसा आपका बहुत ज्यादा गुना होगा,
क्योंकि 18 ईयर्स का टाइम है तो इसमें और भी कंपाउंडिंग लगेगी, 1 या 2% भी अगर कंपाउंडिंग में देखेंगे तो कंपाउंडिंग में 1 या 2% भी काफी पैसे को इंक्रीज कर देता है। तो मैं तो इसको बहुत ही कम करके चला हूं अपने प्लान के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि मैं जो इस फंड ने दिया है 10 ईयर्स में, मैं फिर भी अपना जो हमने प्लान रेडी किया है उसमें मैं फिर भी 5% ऑलरेडी कम कर चला हूं। तो इसी तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही था कि आप अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी प्लान करें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज यही है, आप शॉर्ट ड्यूरेशन में जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप 5 से कम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। ऐसे नहीं है कि 5 से कम पैसा, लेकिन आप अगर अपनी जो फ्यूचर्स की, अगर आप अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स रहती है, जैसे मुझे अपने फ्यूचर में बच्चों के लिए अपने कुछ फंड जमा करना या और भी हमारे कुछ एक्सपेंसिज रहती हैं, तो उसके लिए आपको जैसे 15 ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कुछ तो एक अच्छा खासा फंड आपको चाहिए जो कि आप अपनी ये चीजें रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियली जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट कर चुके। तो आपको अगर 5 है तो 5 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। वो आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग, पॉकेट फ्रेंडली जो आपको रहे उसी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आज की कुछ वीडियो में प्लान था फ्रेंड्स, जो होप करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे चैनल पर अगर कोई भाई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर करे और कमेंट करे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे जितना मुझे होगा तो मैं आपके कमेंट्स पर एक वीडियो बनाकर आपको एक अच्छे तरीके से समझाने की मैं अपनी पूरा प्रयास करूंगा। तो होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।